नमस्ते दोस्तों, चलिए आज आपको मेघा के स्मार्ट गार्डन की सैर करवाती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे से फूल खिल रहे हैं, यानी मेरे ही अपने गार्डन की सैर करवाती हूँ, जहाँ पर विंटर के प्लांट भी भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये डेंथस थे जो पिछले साल का है, और दोस्तों पूरी गर्मी और पूरी बारिश की मार झेल कर भी ये प्लांट आज आप देख सकते हैं कितनी हेवी फ्लावरिंग कर रहा है। बहुत ही सॉफ्ट प्लांट होता है, लेकिन दोस्तों इसको भरपूर मात्रा में जो अच्छा वातावरण, खाद वगैरह मिलती रही, तो ये प्लांट अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है। दोस्तों विंटर के ही नहीं, समर के प्लांट भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये जो टाइम चलता है उसमें सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है सारे के सारे प्लांट जो है फ्लावरिंग करने लग जाते हैं, और बारिश की मार झेलने के बाद दोस्तों ये प्लांट थोड़े से रूखे सूखे से हो गए थे। तो मैंने सभी प्लांट में जो है लगभग अभी तैयारी चली रही है, लेकिन कुछ प्लांट में मैंने अच्छी खासी खाद वगैरह दे दी है, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट है। और यही नहीं, जो वाइन लगी हुई है मेरे, अलमंडा की है, कृष्ण कमल की है, तो सभी में फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए दोस्तों हिबिस्कस, हिबिस्कस तो ऐसा प्लांट है जो पूरे लगभग 10 महीने तक फ्लावरिंग करता है, और यह है हमारा साथ में ही मिनी सनफ्लावर जो बहुत प्यारे फूल देता है, और दोस्तों बहुत ही कम केयर में ये प्लांट चल जाता है। ये है हमारा चाइनीज हिबिस्कस, और चाइनीज हिबिस्कस दोस्तों गुच्छों में फूल आते हैं। ये विन का है जो यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं है, आपको बहुत प्लांट देखने को मिलेंगे, और मुझे इनको हटाने का मन भी नहीं होता है, क्योंकि ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और कम केयर में जो आप प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरह के प्लांट ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर भी डेंथस थे जो पुराने ही है, पिछले साल के विंटर में मैंने इनको बीज से ग्रो किया था, और आज आप देख सकते हैं इनमें इतने बीज बन जाते हैं कि मैं यहाँ वहाँ डाल देती हूँ और प्लांट जो है ग्रो हो जाते हैं। कुछ प्लांट सूख रहे थे, मैंने धूप में लाकर रखा, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये देखिए फ्लॉक्स, फ्लॉक्स बीज से ग्रो हुए हैं, और मैं इनको रिपोर्ट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन छोटे छोटे प्लांट में ही फ्लावरिंग होती है इनमें। और यहाँ पर देखिए कोसकॉम, कोसमोस, मैं आपको सभी प्लांट दिखाने वाली हूँ। वीडियो में आप बने रहिएगा, और अपडेट भी मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा कि किस तरह से ये मेरा गार्डन चल रहा है। दोस्तों अच्छी केयर और अच्छी जो हम खाद वगैरह देते हैं अगर मिलती रही, तो विंटर समर सभी के प्लांट जो है खिलते रहते हैं। ये बहुत ही रेयर फ्लावर है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा काले धतूरे का प्लांट जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, शंकर भगवान को हम चढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों ये प्लांट आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, और ये मैंने बीज से ग्रो किया है, तो बीज यहीं पर बन रहे हैं, आप देख सकते हैं ये फल बन रहा है, और फूल बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। साथ विनका भी लगा है, विनका आपको अक्सर प्लांट के साथ देखने को मिलेगा। ये डॉग प्लांट, डॉग फ्लावर है जो भी पिछले साल के आई है, और अभी तक इसमें फ्लावरिंग हो रही है। मैंने डेंटस, डॉग फ्लावर और बहुत सारे प्लांट में जो है पूरे साल भर फ्लावरिंग देखी है, तो अच्छी केयर के साथ आप इनसे पूरे साल भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। बालसम देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये गणेश बेल है, और बालसम को मैंने कटिंग से और बीज से दोनों से रेडी करके देखा है। दोनों इजी वे में ग्रो हो जाते हैं, दोनों मतलब बीज भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, और कटिंग भी बहुत अच्छे से फटाफट से ग्रो हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे पिंक, पिंक टिकोमा है दोस्तों ये, और इसके साथ ही जो है स्टार वाइन लगी हुई है जो साथ में सपोर्ट मिल रहा है, तो दोनों बहुत अच्छे से खुश है, तो मैं इनको हटाऊंगी नहीं। और दोस्तों मुझे स्टिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसका सपोर्ट लेके ये प्लांट आगे बढ़ रहा है। कटिंग मैंने लगाई थी दोस्तों, और इसकी रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर भी की थी हिबिस्कस की। ये मल्टीपेटल हिबिस्कस है, और दोस्तों इसमें कलियां आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है जब आप कटिंग से बीज से प्लांट रेडी करते हैं, उसका रिजल्ट इस तरह से आता है। और साथ में करेले की बेल लगी हुई है, और यहाँ पर देखिए एक और हिबिस्कस है। तो हिबिस्कस दोस्तों कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी हिबिस्कस ले सकते हैं। देखिए दोस्तों बारिश की मार और कीड़े बहुत ज़्यादा लग गए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट से इनको हटा देती हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा डिले कर देते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो ये जो है आपके दूसरे प्लांट पर भी हावी हो जाते हैं, और इनको हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और प्लांट पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं।
तो बारिश के बाद इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। कीटनाशक का प्रयोग कीजिए, अगर नहीं हट रहे हैं तो आप इसकी डीप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए गोमफ्रीना, दोस्तों गोमफ्रीना इतने ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। जहाँ जहाँ इसके जो फूल हैं गिर जाते हैं, वहीं पर ये प्लांट जो है ग्रो हो जाते हैं। पूरे साल भर इनको मैंने ग्रो होते हुए देखा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर विनका है। विनका सारे सारे बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे थे, लेकिन मैंने इन सभी की डीप प्रूनिंग कर दी है। गुच्छों में इनको बांध दिया है, दो दो तीन तीन कलर लेके। तो अब मल्टी कलर में ये फूल खिलेंगे, एक ही गमले में बहुत सारे कलर के, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बहुत जल्दी इनका अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। अभी ये लगभग 2 या 3 दिन पहले ही मैंने इनको जो इस तरह से रिपोर्ट किया है, सबको खाद वगैरह भी दे दी है। वैसे इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी गमलों में जो प्लांट लगे हैं उनको आप टाइम टाइम से खाद देते रहे तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। खाद मैंने अक्सर आपके साथ शेयर की है कि किस तरह से खाद देनी चाहिए, किस तरह की खाद देनी चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, क्रिसेंथिमम, और यहाँ पर एक बार और विनका। तो विनका तो यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं मिलेंगे आपको। ये सेल्फ ग्रोइंग प्लांट जिसको बोल सकते हैं, ये अपने आप से ग्रो हो जाता है उन्हीं गमलों में। इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये है क्लाइमेट्स वाइन, जो पूरी की पूरी कट कर दी थी क्योंकि मुझे इसकी जगह चेंज करनी थी और मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने पूरी कट कर दी थी। लेकिन देखिए दोस्तों, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अभी जो मौसम चल रहा है उसमें आप कटाई छटाई कीजिए प्लांट की, उसमें खाद वगैरह दीजिए, बीज लगा लीजिए, कटिंग लगा लीजिए, सारे के सारे रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अभी सितंबर अक्टूबर का पूरा महीना है आपके पास कटिंग्स वगैरह लगाने का, तो आपको जहाँ से भी कटिंग मिलती है, जहाँ से भी बीज मिलते हैं, तो आप ज़रूर लगाइएगा। देखिए दोस्तों, विनका ऐसा प्लांट है जो कई कलर में खिलता है, तो आपको जहाँ से भी नए नए कलर मिले, मैं कटिंग लगा देती हूँ। इस तरह से कितनी सारी कटिंग लगी हुई है। और ये कृष्ण कमल का प्लांट है। तो दोस्तों, जो अदर प्लांट होते हैं, ये गंधराज की कटिंग मैंने लगाई हुई है, ये देखिए, उनके साथ ही आप कटिंग लगा दीजिए। अभी का जो मौसम होता है उसमें आप धूप में भी प्लांट कटिंग लगा देंगे, जो हार्डी प्लांट होते हैं उनकी, तो कटिंग जो है तैयार हो जाती है। यहाँ पर देखिए, प्यारा सा फ्लावरिंग प्लांट है पारिजात का। पारिजात बहुत ही जो है रेयर प्लांट भी बोल सकते हैं, और दोस्तों सिंपल प्लांट भी बोल सकते हैं, हार्डी प्लांट भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। एक बार आपने लगा दिया तो ये सालों साल तक चलता रहेगा। अच्छी केयर कीजिएगा अपने प्लांटों की। कोई सा भी प्लांट हो, अगर अच्छी केयर उनको मिल जाती है तो ये सारे बहुत अच्छी फ्लावरिंग तो करेंगे, लेकिन सालों साल तक आपके गार्डन में बने रहेंगे। देखिए दोस्तों, सुबह होते ही सारे के सारे फूल नीचे आ जाते हैं। इसको बीज से, कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। बीज से मैंने ग्रो किया था तो मैंने अपने फ्रेंड को दिया है। तो दोस्तों, आप अगर देखना चाहते हैं कि बीज से कैसे ग्रो करना है तो मैं लिंक डाल दूंगी ढूंढकर, अगर मिल पाई तो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी पर्पल वाइन, ये पिंक सिंगोनियम है। मैंने आपको टोकरियाँ रेडी करना दिखाया था पिछली वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। ये है मार्बल पोथोस, और ये हैंगिंग की जगह तो मिल नहीं रही है दोस्तों। ये वेरीगेटेड चाइनीज़ प्लांट है, चाइनीज़ वोलेट। मैं उस दिन आपको नाम नहीं बता पाई थी, एक फ्रेंड ने मुझे नाम बताया है इसमें कमेंट में, तो मैं आपको बता पा रही हूँ। अगर आपके पास ज़मीन है दोस्तों घर के बाहर या कुछ, तो आप बड़े बड़े प्लांट ज़रूर लगाइएगा, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और साथ में आपको फल फूल भी अच्छे से मिल जाएंगे, और आपको जो है सुकून भी मिलेगा, क्योंकि ये प्लांट इस तरह से ग्रो करते हैं। तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि जो हमने काम किया है उसका रिजल्ट जो बढ़त है प्लांट की, आप देखेंगे। ये देखेंगे कि देखिए दोस्तों, जो बेल वाले प्लांट हैं उनको मैंने सपोर्ट दे दिया है। बेल वाले प्लांट को अगर सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, मीठा नीम है। मैं फटाफट फटाफट आपको प्लांट दिखा रही हूँ। ये ट्रम्पेट वाइन है। ट्रम्पेट वाइन में क्या है दोस्तों, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये आप देखिए दोस्तों, कोलियस, कोलियस की एक प्लांट से मैंने 5-7 प्लांट बना लिए हैं। ये टच मी नॉट प्लांट है, जो फूल भी आने लगे हैं वापस से इसमें। और ये है पिंक टिकोमा, पिंक टिकोमा ये कटिंग से लगाया हुआ है, और ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो आपको पूरी कोशिश कीजिए, जहाँ से कटिंग मिल जाए आप कटिंग ज़रूर लाकर लगाइएगा।
ये देखिए दोस्तों, कटिंग में जो हमने बालसम की कटिंग लगाई थी उसमें भी फूल खिलने लगे हैं। अभी रिपोर्टिंग करनी बाकी है क्योंकि दोस्तों गमलों की कमी आ गई है और सारा काम एक साथ तो कर नहीं पाते हैं, तो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं कर रही हूँ। और साफ़ सफ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है गार्डन की डेली पत्तियाँ गिरना, जो पीली हो जाती है उनको हटाना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें बहुत टाइम चला जाता है। फिर गुलाब में भी फूल खिलने लगे हैं, ये है मेक्सिकन पिटोनिया, ये है जीनिया, ये देखिए कितने प्यारा सा कलर है जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहा है, ये यहाँ वहाँ कहाँ भी ग्रो हो जाते हैं। ये मेरा थोड़ा सा प्लांट ख़राब हो गया था, मैंने डीप प्रूनिंग करी है, गुड़ाई की है, फंजीसाइड दिया है, तो अब देखते हैं कभी ये ठीक होकर। गंधराज का प्लांट है ये, और देख सकते हैं ये अलमंडा है, ये अलमंडा में भी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। ये है मेरा वाइट कनेर, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए दोस्तों सारे प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं। बहुत सारे प्लांट जो है मैं अभी ठीक नहीं कर पाई हूँ, मतलब इनमें खाद वगैरह नहीं दे पाई हूँ, लेकिन ये भी प्लांट हमारी मदद करते हैं जब हम इनसे लगाव रखते हैं, तो ये भी उसी तरह से आपको जो है मैं क्या ही बोलूं। ये देखिए प्लांट झूम रहे हैं, ये कनेर के प्लांट है जो सालों से लगे हैं मेरे पास और अभी भी इनमें फ्लावरिंग हो रही है। अब थोड़े मुझे पॉट चेंज करने हैं, तो जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं करती जाऊंगी। ये देखिए फायरबुशी प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, ये अपने आप से ग्रो हुआ था मेरे गार्डन में। और देखिए दोस्तों मेरे फ्रेंड भी आ गए हैं, पैरोट, तोता, मिट्टू, आप जो भी बोलते हैं इनको। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, ये बीज से ग्रो किया था मैंने, मोर पंखी का प्लांट, तो मोर पंखी भी बीज से ग्रो हो जाता है, कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर जब आप प्लांट वगैरह लगाते हैं ना, तो आपको ये यहाँ पर एक और चीज़ दिखा देती हूँ, डहलिया में भी कलियाँ आने लगी है। ये देखिए ये भी कितना प्यारा सा कलर है मुर्गा कलगी में, ये देखिए पिंक हिबिस्कस है और ऑरेंज हिबिस्कस है। तो जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं ना, तो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है जो आपको देखने को मिलेगी और आपको सुकून भी देगी। तो अगर आपके पास छत है, खुली छत है, तो आप ज़रूर लगाइए इस तरह के प्लांट। अगर छत नहीं है तो आप बालकनी है तो वहाँ पर हैंग करके प्लांट लगाइए। देखिए दोस्तों धूप बहुत तेज़ हो गई है, सुबह का टाइम है लेकिन फिर भी इतनी तेज़ धूप है। और ये पत्थर चट्टा का प्लांट है दोस्तों, पत्थर चट्टा भी आप पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है पत्थर चट्टा। ये केना लिली है, यूफोर्बिया मिली है, और सारा का सारा गार्डन इस तरह से जो है चल रहा है। पूरा गार्डन तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन जितना दिखा पाई पूरी कोशिश की है मैंने। और दोस्तों प्लांट बहुत तरह के होते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे पास बहुत तरह के प्लांट हो। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी गोमफ्रीना ग्रो हो गया है। अब इनके लिए प्लांट के लिए मैं पॉट कहाँ से लाऊंगी, देखते हैं, पॉलीथीन वगैरह में ही लगा देंगे, उसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो ही जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको गार्डन कैसा लगा बताइएगा जरूर।